हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। तो ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये वास्तव में एक्चुअल टाइटल नहीं है और ये केवल एक पॉपुलर टाइटल है जो कि जनरली सभी इसी नाम से इसको जानते हैं और जहाँ भी ये पब्लिश हुई उन सब में यही टाइटल इसको दिया गया। तो इसलिए एक पॉपुलर नेम है जो इसको दिया गया है। इसका ओरिजिनल टाइटल जो है वो इट्स नॉट नॉन, और फर्स्ट लाइन से ही जनरली जो स्टार्टिंग में ये मतलब जानी जाती थी, और अब ये जो है पॉपुलरली जैसे मैंने कहा ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसको टाइटल दिया गया है। और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जो कि जॉन मिल्टन ने ब्लाइंड होने के बाद में लिखा था, और ये मिल्टन की अपनी हैंडराइटिंग में नहीं है। जो स्क्रिब्स थे यानी कि इनकी डॉटर और इनके जो नेफ्यूज वगैरह थे वो स्क्राइब करते थे, वो लिखते थे, तो ये डिक्टेट किया हुआ है। और इनके जो दो ग्रेट वर्क्स हैं जो हम जानते हैं स्पेशली पैराडाइज लोस्ट और पैराडाइज रिगेंड, इसके अलावा सैमसन एगोनिस्टस जो इन्होंने लिखा था, तो ये इनके ग्रेट वर्क्स हैं और ये सब इन्होंने ब्लाइंड होने के बाद में लिखे, और ये पोएम भी उन्हीं में से आती है। तो जैसा मैंने कहा ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। तो पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है, जो पेट्रार्क नाम के एक पोएट के पैटर्न को फॉलो करता है वो पेट्रार्कन सोनेट है। और सोनेट का मतलब 14 लाइंस की एक पोएम, और जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है। तो यहाँ भी आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है, और ये पेट्रार्कन सोनेट है। तो ऑक्टेव और सेस्टेट दो पार्ट्स होते हैं पेट्रार्कन सोनेट के, यानी कि 8 और 6 लाइंस में पोएम डिवाइडेड होती है। तो ये पोएम भी कुछ ऐसी ही है, हालांकि थोड़ा सा इसमें एक डिविएशन है कि ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में कोई क्लियर सेपरेशन नहीं है, कोई मार्क्ड सेपरेशन यहाँ पर नहीं है, यानी कि जो ऑक्टेव की लाइन है वो कंटिन्यू जा रही है सेस्टेट में। तो जो रन ऑन लाइन से वो यहाँ हमें देखने को मिलती है, एक एंजैममेंट जिसे हम कहते हैं पोएटिक लैंग्वेज में, तो वह एंजैममेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और जो टोन की अगर हम बात करें इसमें, तो फर्स्ट 8 जो लाइन्स हैं वो फर्स्ट 8 लाइन्स में पोएट ने थोड़ा सा पीविश यानी कि एक कंप्लेनिंग टोन प्रेजेंट किया है, यानी कि पोएट जो है वो गॉड से कंप्लेन कर रहा है, थोड़ा एनॉयड है, एक सेल्फ पिटी वाली एक टोन यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। जबकि जो सेस्टेट है उस सेस्टेट में हमें टोटल सबमिशन टू गॉड, यानी कि गॉड में जो फेथ है वो फेथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि असर्ट किया जा रहा है और उसको स्ट्रेस किया जा रहा है दैट हमको सबमिट कर देना चाहिए टोटली गॉड को। तो वो जो फेथफुलनेस है वो सस्टेड पार्ट में शो हो रही है। पोएम में पर्सोनिफिकेशन, अलिटरेशन, अल्यूजन्स, इमेजरी इन सब का यूज है, और ऐसे ही एक पैराबल ऑफ टैलेंट्स को अल्यूड किया गया है यहाँ पर। तो किस तरह से पोएट ने बड़े ब्यूटीफुल मैनर में इस बात को प्रेजेंट किया है, तो देखते हैं किस तरह से ही इज डन ऑल दिस। लेट्स सी। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, तो यहाँ लाइट जो है आंखों की रोशनी, क्योंकि ही वॉज ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। सो व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट एर हाफ माय डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो व्हेन आई कंसीडर, तो पोएट का यह कहना है कि जब मैं ये सोचता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चलेगी, एर हाफ माय डेज, ERE दैट मीन्स बिफोर, तो हाफ माई डेज मतलब जैसे ह्यूमन लाइफ वॉज कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स और सो, तो भाई मैं तो अभी 50 का भी नहीं हुआ, मैंने कहा एट द एज ऑफ 44 मिल्टन की आंखों की रोशनी चली गई थी। तो यहाँ एक जैसा मैंने कहा कि कंप्लेनिंग टोन है, पोएट जो है वो एक सेल्फ पिटी वाली कंडीशन में है और गॉड से शिकायत कर रहे हैं, एनॉयड हैं। तो
एर हाफ माई डेज, यानी कि अभी तो मैं 50 का भी नहीं हुआ, अभी तो जिंदगी के मैंने 50 साल भी पूरे नहीं किए और उससे पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई. When I consider how my light is spent or half my days in this dark world and wide, और ये world जो है मेरे लिए कैसा हो गया? Dark. तो world wide, alliteration यहाँ पर हो रहा है. ऐसे ही days and dark में भी alliteration का use किया गया है. तो पोएट का यह कहना है कि मैं किस तरह से 50 साल का भी हुआ नहीं और उससे पहले मेरी आंखों की रोशनी चलेगी और मैं इस वर्ल्ड डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यानी कि वर्ल्ड जो है वो मेरे लिए बिल्कुल अब कैसा हो गया है? डार्क हो गया है. तो इस बड़े वर्ल्ड में, इस विशाल संसार में मैं बिल्कुल अंधा हो गया हूँ और पूरा वर्ल्ड मेरे लिए कैसा हो गया है? फुल ऑफ डार्कनेस हो गया है. एंड दैट वन टैलेंट And that one talent which is death to hide. तो यहाँ इसे जो एक biblical यहाँ पर reference है जिसे हम कहते हैं parable of talents. तो ये parable of talents का यहाँ पर allusion है. तो पैराबल ऑफ टैलेंट्स क्या है? तो न्यू टेस्टामेंट, यानी कि जो बाइबल का सेकंड पार्ट है, तो न्यू टेस्टामेंट में एक पैराबल ऑफ टैलेंट्स का रेफरेंस दिया के बारे में बताया हुआ है. कहानी ये कहती है कि एक मालिक था जिसे ट्रिप पर जाना था और जाने से पहले अपने 3 सर्वेंट्स को उसने बुलाया और उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया. और तो जो अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि बेसिक स्टोरी जो है वो सेम है. तो जो डिफरेंस है वो ये है कि टैलेंट जो है वो जैसे मैथ्यू और ल्यूक, दो इसके वर्जन्स हैं. तो एक में तो ये टैलेंट्स जो है वो पैसा है और दूसरे में जो है ये है कि भाई उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग मालिक ने उनको पैसा दिया और कहा कि इसे तुम यूज करना और जो इसको तुम बढ़ाने की कोशिश करना, इसको तुम डबल करने की कोशिश करना, ऐसा उसमें दिया हुआ है. तो एक में जो है मैथ्यू वाले में तो इस तरह से दिया हुआ है कि 5 टैलेंट, 3 टैलेंट और 1 टैलेंट, इस तरह से वो उनको दे करके गए. और दूसरे में इस तरह से कुछ नहीं है और केवल उनको पैसा दिया और उनसे कहा कि इस पैसे को तुम्हें बढ़ाना है. और ऐसा करके मालिक जो है वो चले गए. जब वो लौटे तो जो पहले 2 थे उन्होंने मालिक की बात फॉलो करते हुए उन पैसों को यूज किया, उसको डबल किया, बढ़ाया. मालिक बड़े खुश हुए और उन्होंने उनको रिवॉर्ड दिया. लेकिन जो तीसरा था उसने क्या किया, उस पैसे को जमीन में गाड़ दिया, उसको बरी कर दिया और कोई यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया. और क्या हुआ, उसे पनिशमेंट मिला, उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला. उसने उसको जब सेफली रख दिया, यानी कि बरी करके रख दिया, कुछ नहीं किया, तो मालिक उससे नाराज होकर के उसको पनिश करता है. तो ये है पैराबल ऑफ टैलेंट. तो यहाँ भी उसी का एक रेफरेंस दिया हुआ है. तो जैसे पोएट ने कहा कि इन दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, तो वो टैलेंट जिसे केवल डेथ ही हाइड कर सकता है. अब पोएट जो है अपने पोएटिक टैलेंट की बात कर रहा है कि गॉड ने मिल्टन को पोएटिक टैलेंट दिया है कि ही कैन कंपोज, ही कैन राइट, वो लिख सकता है, पोएम लिख सकता है, पोएटिक कंपोजिशंस वो क्रिएट कर सकता है. तो ये जो टैलेंट है उसके लिए कैसा हो गया है? यूजलेस हो गया है, ऐसा पोएट यहां पर कहना चाह रहा है. तो जो 2 वर्जन्स मैंने आपको बताए थे, एक तो है मैथ्यू और दूसरा है ल्यूक. तो ये 2 वर्जन्स यहां पर, तो मैथ्यू वाले वर्जन में टैलेंट का मतलब पैसे से है और ल्यूक वाले वर्जन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, सिंपल कि भाई उन्होंने पैसे दिए.
तो यहाँ जो है 5 टैलेंट, 3 टैलेंट और 1 टैलेंट इस तरह से करके दोनों मैथ्यू वाले वर्जन में इस तरह से दिया हुआ है, राइट। तो ये जो पैराबल ऑफ टैलेंट्स वाली बात है, इसे हम पोएटिक लैंग्वेज में कहेंगे अल्यूजन, बिब्लिकल रेफरेंस, ऐसा हम इसे कहेंगे। तो दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, यानी कि वो टैलेंट जिसे केवल डेथ ही हाइड कर सकती है, यानी कि डेथ ही उसे सबसाइड कर सकती है, दबा सकती है, सप्रेस कर सकती है, लॉज्ड, यानी उसका जो पोएटिक टैलेंट है, लॉज्ड विद मी यूजलेस, और वो मेरे लिए यूजलेस हो गया है, अब वो मेरे लिए फ्यूटाइल हो गया है, बेकार हो गया है, अब उसका अब मैं उसको कैसे यूज करूं। पोएट जो है वो शिकायत कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि मेरे पास जो पोएटिक टैलेंट है अब वो बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, उसका अब मैं ब्लाइंड हो चुका हूं, मैं उसे कैसे यूज करूं। ऐसा पोएट के मन में फीलिंग आती है, एंड दो माई सॉल, कहता है, दो माई सॉल मोर बेन टू सर्व देयर विद My maker, तो my maker कौन है? God। तो poet का ये कहना है कि हालांकि my soul जो है, poet God को serve करना चाहता है अपने talent से। poet जो है वो God को serve करना चाहता है, poet God की सेवा करना चाहता है, जो talent है उसका use करते हुए, लेकिन एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जो गॉड ने प्रतिभा उसे दी है, जो टैलेंट उसे दिया है, उसका एक ट्रू अकाउंट वो प्रेजेंट करना चाहता है, यानी कि अपने उस टैलेंट को यूज करते हुए वो पोएटिक कंपोजिशंस लिखना चाहता है, वो कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहता है। लेस्ट, क्यों? लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि गॉड जो है वो मुझे चाइड का मतलब होता है डांटना, रिब्यूक, स्कोल्ड करना। तो कहता है कहीं ऐसा नहीं हो कि गॉड मुझे डांटे, फटकारे, लेस्ट और फियर दैट, तो कहीं ऐसा ना हो कि गॉड मुझे डांटे, डॉथ गॉड एग्जैक्ट, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट। तो पोएट के मन में एक फियर है, एक अप्रेंशन है, एक डर है कि वो अपने पोएटिक टैलेंट को यूज करना चाहता है, कि वो अब जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो गया है, ब्लाइंड होने की वजह से वो उसे यूज नहीं कर पा रहा है, और वो बिल्कुल अब से सप्रेस, सबसाइडेड रखा हुआ है। तो वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो, हालांकि इच्छा तो है, हालांकि वो चाहता तो है कि वो उस पोएटिक टैलेंट को यूज करे, कुछ कंपोज करे, कुछ लिखे, लेकिन उसे कैसे, क्योंकि अब ब्लाइंड होने की वजह से वो नहीं कर पा रहा है। और वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गॉड उसे डांटे कि मैंने तुम्हें जो टैलेंट दिया वो तुमने यूज नहीं किया, तुमने कुछ क्रिएटिव नहीं किया। तो वो डरता है कि कहीं गॉड ऐसा ना हो उसे डांटे। अब फिर वो गॉड से, उसके मन में बात आती है, एंड ही सेज, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, आई फॉन्डली आस्क। फॉन्डली मतलब इन अ सिली मैनर, इन अ से फुलिश मैनर। तो मैं गॉड से कहता हूं कि क्या गॉड जो है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब डिमांड, एग्जैक्ट का मतलब डिमांड। तो कह रहा है कि डज गॉड एग्जैक्ट, डज गॉड डिमांड डे लेबर लाइट नाइट। मतलब उसके मन में बात आती है कि मेरी आंखों की रोशनी, लाइट डिनाइड, तो मेरी आंखों की रोशनी छीन कर क्या गॉड मुझसे चाहते हैं कि मैं दिन के उजाले में काम करूं। फॉन्डली,
फुलिश मैनर में, सिली मैनर में वो गॉड से ऐसा कहता है, पूछता है। तो ये तो है, ये जो पूरा ऑक्टेव है ये पूरा हम कह सकते हैं कंप्लेनिंग मैनर में, एक सेल्फ पिटी वाले मैनर में, बड़ा दुखी है कि मेरी आंखों की रोशनी, अभी तो मेरी जिंदगी के 50 साल पूरे नहीं हुए और मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मेरा टैलेंट जो है वो फ्यूटाइल हो गया, तो ऐसे कंप्लेन कर रहा है। पूरा ऑक्टेव जो है वो कंप्लेन, सेल्फ पिटी, अनोयंस, पीविशनेस को शो कर रहा है। और जो सेस्टेट है उसमें देखिए क्या लिखा है अब, और यहाँ जो मैंने बताया था कि एक डेविएशन है। अच्छा, इसमें जो राइम स्कीम होती है वो तो ABBA ABBA CDE CDE, ये राइम स्कीम चलती है और यहाँ भी वही राइम स्कीम फॉलो हो रही है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज हो रहा है, लेकिन ये रन ऑन लाइन है। और इस पूरी पोएम में हम देख सकते हैं कि रन ऑन लाइन्स या एंजामेंट जो है, जिसे हम पोएटिक लैंग्वेज में कहते हैं, का यूज हो रहा है। यानी कि एक लाइन जो है विदाउट कॉमा या पोज दूसरी लाइन से जाकर के जुड़ रही है। और यहाँ भी वो जो हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट डिपार्चर फ्रॉम पेट्रार्कन स्टाइल हम जिसे कहेंगे, यानी कि जो ऑक्टेव और सेस्टेट में जो एक सेपरेशन होना चाहिए वो नहीं है। और किस तरह से लिखा है, बट पैशंस, और पैशंस में पी कैपिटल लिखा हुआ है, और यहाँ पैशंस को पर्सोनिफाई किया हुआ है। पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को इस तरह से प्रेजेंट करना जैसे वो लिविंग हो, या उसे ह्यूमनली क्वालिटी दे देना, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पैशंस को इसी तरह से प्रेजेंट किया है कि पैशंस जो है वो कहता है, मतलब पोएट का जो धैर्य है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, that but patience to prevent that murmur, यानी वो जो बड़बड़ा रहा है, वो जो whisper कर रहा है, mutter कर रहा है कि कहीं God जो है वो मुझसे ऐसा तो नहीं चाहते कि मैं दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में काम करूं। तो वो जो murmur है, वो जो muttering, whispering, वो जो complain है, उससे prevent करते हुए patience का जवाब आता है, यानी कि धैर्य जो है वो उससे कहता है क्या, soon replies God doth not need either man's work or his own gifts. तो अब यहाँ पर जो टोन है वो एकदम से चेंज हो रही है और यहाँ एक टोटल सबमिशन की बात आ रही है, सरेंडर की बात आ रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड की बात आ रही है, बिलीफ की बात आ रही है। तो पैशंस उससे कहता है कि देखो गॉड, गॉड को न तो किसी का वर्क चाहिए, मतलब गॉड नहीं चाहता किसी से कि आप उनके लिए वर्क करें, आप उनके लिए काम करें, और न ही वो अपना दिया हुआ टैलेंट जो है वो वापस लेते हैं। मतलब गॉड ने मिल्टन को जो टैलेंट दिया है, पोएटिक टैलेंट, तो न तो वो टैलेंट वो उससे वापस लेंगे, और न ही हम ये कह सकते हैं कि जो गॉड, ये भी नहीं कहते कि आप गॉड के लिए कुछ करो। तो ये फेथ जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। तो गॉड डज नॉट, ना गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, न तो उन्हें किसी से चाहिए कि वो उनके लिए काम करें, और न ही वो अपना दिया हुआ गिफ्ट यानी कि टैलेंट या अपना जो उपहार है प्रेजेंट वो वापस भी नहीं लेते हैं। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योग, तो वो जो गॉड का शासन फॉलो करते हैं, माइल्ड योग, वैसे दोनों थोड़ा सा स्लाइट कॉन्ट्रडिक्शन है, एक हम कह सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन की तरह हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि योग इज नेवर माइल्ड। तो योग जो है वैसे तो क्या होता है, जो वुडन फ्रेम जो हम बेलों के गले में डालते हैं जब खेत जोता जाता है, तो उस वुडन फ्रेम को योग कहते हैं, और योग का एक और मीनिंग होता है शासन, रूल। तो अब क्योंकि ये गॉड का रूल है तो इसलिए माइल्ड हो गया। तो कहा है कि गॉड हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योग, यानी जो गॉड के शासन को फॉलो करता है, यानी कि गॉड की बात को जो मानता है, उनका जो पालन ओबीडियंटली उनको जो फॉलो करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वो लोग जो हैं वो गॉड के सच्चे सेवक होते हैं, गॉड की सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, तो अब यहाँ पर
एक इमेजरी है गॉड को किंग से कंपेयर करते हुए यहाँ पर बताया है, यानी कि एक इमेजरी यहाँ पर यूज हो रही है। और पूरी पोएम को भी हम कह सकते हैं कि हालांकि पर्सनल पोएम है। और अच्छा, एक और बात यहाँ पर है कि सोनेट्स जनरली जो है वो लव सोनेट्स का ट्रेडिशन हुआ करता था उस टाइम पे, किसी भी बिलेवेड को एड्रेस करते हुए सोनेट्स लिखे जाते थे। लेकिन यहाँ पर वो जो लव सोनेट वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो सोनेट है वो रिलीजियोसिटी फेथफुलनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। यानी कि मिल्टन ने इस ट्रेंड को चेंज करते हुए कई सारे पर्सनल और रिलीजियस सोनेट्स भी इन्होंने लिखे, तो ये उन्हीं में से एक है और ये उसी कैटेगरी में आता है। तो लिखा है कि हिज स्टेट इज किंगली, यानी गॉड जो है वो तो किंग की तरह होता है, एंड थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, तो जिस तरह से राजा का आदेश फॉलो करने के लिए बहुत सारे सेवक होते हैं उसके, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे उसके सर्वेंट्स होते हैं, तो थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। तो बिल्कुल उसी तरह से गॉड का आदेश फॉलो करने के लिए, गॉड के आदेश का पालन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, थाउजेंड्स जो हैं, हजारों उनके जो मैसेंजर्स हैं, दूत हैं, सेवक हैं, वो लैंड और सी, जल थल पर उनके आदेश को पहुंचाने के लिए, फॉलो करने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल तैयार और तत्पर बैठे हैं। दे ऑल्सो सर्व हू ओनली स्टैंड एंड वेट, और फाइनली वो टोटल सबमिशन को शो करती है लाइन कि वो लोग भी गॉड के सच्चे सेवक होते हैं जो इंतजार करते हैं, दे स्टैंड एंड वेट, यानी इंतजार करते हैं सही समय के आने का, इंतजार करते हैं गॉड के न्याय का, गॉड के जस्टिस का, वो भी उनके। तो पोएट जो है ही इज लाइक वेटिंग, पोएट इंतजार कर रहा है कि उसका भी अच्छा समय आएगा या गॉड जो है उनके साथ भी न्याय करेंगे और उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। तो गॉड में टोटल सबमिशन और एक्सेप्टेंस, वही सच्चा एक भक्त जो है वो कर सकता है और उसे करना चाहिए। तो ऐसा पोएट ने यहाँ पर शो किया है इस पोएम के थ्रू कि हमें वी शुड फॉलो दिस, हमें इस तरह से करना चाहिए और ये ही गॉड की सच्ची सेवा हो सकती है। तो इस तरह से पोएट ने अपने फेथ को यहाँ पर असर्ट किया है, एक्सप्रेस किया है इस सोनेट के थ्रू। पेट्रार्कन सोनेट है और पोएट अपनी फीलिंग्स को ऑक्टेव और सस्टेट दो पार्ट्स में जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट पोएटिक टेक्निक्स जो इसमें यूज हो रही है, जो मैंने आपको बताया, आयम्बिक पेंटामीटर है, सोनेट है और एल्यूजन है यहाँ पर। बिब्लिकल रेफरेंस जो है पैराबल ऑफ टैलेंट, उसका बिब्लिकल रेफरेंस है। पेशेंस को पर्सोनिफाई किया हुआ है, इमेजरी का यूज किया हुआ है, गॉड को किंग से कंपेयर किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर पोएट ने बड़े ब्यूटीफुल मैनर में अपनी बातों को एक्सप्रेस किया है। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। तो मैं इसी तरह से और भी पोएम्स लेकर के आता रहूँगा, और भी चीज़ें आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तब तक देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।